अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीक और मैं क्वाड्रेटिक्स के नए लेक्चर के साथ आपको वर्चुअल लिंक पे खुश आमदेद कहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मुझे आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है कि जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, तो इस वजह से आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरी बुक लीजिए और उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए और उसके बाद पास पेपर अटेम्प्ट कीजिए। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक्स का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज एंड द बेसिक रूल्स। इनइक्वालिटीज को हम इनइक्वेशंस भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटीज ही यूज किया जाता है। ये वर्ड इनइक्वेशंस को रेयरली यूज करते हैं। इस लेक्चर से पहले जितना भी हमने स्टडी किया है उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अपने रूल्स हैं और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के अपने रूल्स हैं। तो इनइक्वालिटीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स डिफिकल्टी फील करते हैं और काफी मिस्टेक्स करते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें बेसिक जो रूल्स हैं उनके बारे में उनको नहीं पता होता। तो आज हम बेसिक रूल जो है इनइक्वालिटीज के वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि इनइक्वालिटी क्या होती है। तो सबसे पहले ये देखें, ये एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है और इसको हम इस तरह से रीड करते हैं, एक्स इज लेस देन टू। कहने का मतलब है x में वो तमाम वैल्यूज शामिल है जो 2 से लेस हैं। एक और इनइक्वालिटीज देखते हैं, x ग्रेटर देन 3। इसके मीनिंग ये है कि x में वो तमाम वैल्यूज शामिल है जो 3 से बड़ी हैं। और इनइक्वालिटी देखते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 6। इसका मतलब है कि x में 6 भी शामिल है और जो इससे लेस वैल्यूज है वो भी शामिल है। ये भी एक इनइक्वालिटी है। एक और इनइक्वालिटी देखते हैं, x is greater than or equal to 8. इसमें x में 8 भी शामिल है और इससे बड़ी वैल्यूज भी शामिल है। तो ये जितने भी हमने ये चार एक्सप्रेशन जो लिखी हैं इनको हम इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशंस कहते हैं। तो इसको जरा लिख लेते हैं, दीज आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशंस। और ये जो सिंबल्स हैं इनको भी हम लिख लेते हैं, द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू आर कॉल्ड इनइक्वालिटी साइंस। तो ये जो सिंबल है इनइक्वालिटी साइंस का, इसके लेफ्ट और राइट पे भी कुछ टर्म्स हैं, इनके लिए भी एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको साइड्स और मेंबर्स ऑफ द इनइक्वालिटीज कहते हैं। यानी ये साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी है या मेंबर ऑफ द इनइक्वालिटी है। सिमिलरली ये जो राइट साइड पे इनको, तो ये भी लिख लेते हैं, the expressions on the left and on the right of these symbols are called the sides or members of the inequalities. तो अब हम ना रूल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूल हम पढ़ेंगे वो एडिशन रूल है, तो इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले जरा आप देखें कि ये x इज इक्वल टू 4 है, इसको इक्वेशन कहेंगे। इसके रूल्स हम सारे पहले पढ़ के आए हुए हैं। तो आइए एडिशन रूल को डिस्कस करते हैं। द एडिशन रूल, तो इसके लिए हम एक इनइक्वालिटी कंसिडर करते हैं। तो ये लिखी हुई है इनइक्वालिटी, तो हमने इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं, 2 इज लेस देन 4। हम दोनों तरफ कोई पॉजिटिव नंबर इसमें ऐड करते हैं या कोई भी नंबर ऐड करते हैं। लेट्स से हमने 3 ऐड कर दिया दोनों तरफ और देखते हैं कि इनइक्वालिटी के सिंबल के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, तो ये आएगा 5 इज लेस देन 7। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी नंबर को ऐड किया जाए तो ये जो सिंबल है इनइक्वालिटी का, इसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रूल को लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर हों ए और बी और एक तीसरा नंबर सी उसमें ऐड करें, तो ऐसा करने से इनइक्वालिटी साइन की डायरेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको लिख लेते हैं, इन जनरल फॉर मेंबर्स ए बी एंड सी, इफ ए इज लेस देन बी
देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। तो नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, द सब्ट्रैक्शन रूल। इसके लिए फिर से वही इनइक्वालिटी कंसिडर करते हैं, या कोई और भी की जा सकती है, लेकिन मैं इसको ही कंटिन्यू करूंगा। इसमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेट्स से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखें दोनों तरफ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया माइनस वन इज लेस देन वन, या नेगेटिव वन इज लेस देन वन। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है कि किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर किसी सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इनइक्वालिटी जो सिंबल है उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो जैसे वो पहले था अभी भी वो वैसे ही रहेगा। तो इसको लिख लेते हैं इस रूल को, इन जनरल फॉर मेंबर फॉर नंबर्स ए बी सी इफ ए इज लेस देन बी देन ए माइनस सी इज लेस देन बी माइनस सी। तो इस तरह से हमने यहां से ये एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल से ये लर्न किया है कि इनइक्वालिटी साइन के दोनों तरफ अगर कोई नंबर ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी साइन की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम मल्टीप्लिकेशन रूल डिस्कस करते हैं। थर्ड है द मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इसके लिए फिर से एक इनइक्वालिटी कंसिडर करते हैं, ये 2 is less than 4, तो कोई एक नंबर 3 ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर, उससे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। ये मैंने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, this implies that 6 is less than 12। तो जैसे ये डायरेक्शन इसकी पहले थी अभी भी डायरेक्शन इसकी यही है और ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहां से हमें पता चला कि अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी साइन की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लिख लेते हैं, अगर हमारे पास ए और बी दो कोई नंबर हो और ये इनइक्वालिटी फॉर्म करें, इन जनरल इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज अ पॉजिटिव नंबर देन ए टाइम सी इज लेस देन बी टाइम सी। तो ये हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि अभी तक जो 3 रूल पड़े हैं इसमें इनइक्वालिटी साइन की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम यूं करते हैं कि अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होता है। तो ये इनइक्वालिटी कंसिडर करते हैं दोबारा से, 2 इज लेस देन 4, इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। ये हमने दोनों तरफ माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई किया तो माइनस 6 लेस देन माइनस 12। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, माइनस 6 लेस देन माइनस 12 नहीं होता, बल्कि ये होगा कि माइनस 6 इज ग्रेटर देन माइनस 12, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है और ट्रू स्टेटमेंट ये होगी। यहां से हमने ये डिड्यूस किया, ये नतीजा अखज किया कि अगर कोई इनइक्वालिटी है तो उसको अगर हम दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसी वक्त जो इनइक्वालिटी साइन है उसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज को लिख लेते हैं यहां पर हम, इन जनरल इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज अ नेगेटिव नंबर देन ए इंटू सी इज ग्रेटर देन बी इंटू सी, यानी यहां पर ये साइन था, अब ये साइन की डायरेक्शन जो वो उलट गई है, यानी पहले लेस देन था अब ग्रेटर देन हो गया है। इसकी वजह यह है कि सी नेगेटिव नंबर है, उसने मल्टीप्लाई होके इसको इसके साइन को चेंज कर दिया है। तो हमें जो है वो ये पहली चेंज है वो हमें याद रखनी है कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो फौरन ही इसका ये सिंबल का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देनी। इसको प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं जो कंप्यूटर साइंसेस पढ़ते हैं, तो प्रॉम्प्ट की डायरेक्शन जब वो चेंज कर देनी हमने। अब फोर्थ रूल हम पढ़ते हैं, डिविजन का रूल। तो फोर्थ जो रूल है वो है द डिवीजन रूल। फिर से इनइक्वालिटी को कंसिडर करते हैं, तो यह 2 इज लेस देन 4, इसको किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, लेट्स से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये 1 आ गया और इधर 2 आ गया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, 1 इज लेस देन 2,
यहाँ से मैं स्टार्ट किया था, टू इज लेस देन फोर, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इस तरह से है और यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन यही है। इसका मतलब है किसी भी इनइक्वालिटी में अगर दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जाए तो इनइक्वालिटी साइन की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको ये ट्रू स्टेटमेंट लिखते हैं और इसको जनरल फॉर्म में रूल की शक्ल में लिख लेते हैं। इन जनरल इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज अ पॉजिटिव नंबर देन ए ओवर सी इज लेस देन बी ओवर सी, यानी ये डायरेक्शन इसकी सेम रहेगी। तो हम यू करते हैं कि अब हम डिवीजन में नेगेटिव नंबर को देखते हैं। तो ये हमने ये स्टेटमेंट दोबारा से ली है, टू इज लेस देन फोर, और इसको माइनस टू से डिवाइड कर दिया है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस वन इज लेस देन माइनस टू, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। माइनस वन माइनस टू से बड़ा होता है, तो हमें इस फॉल्स स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, अब इसको ट्रू कर लेते हैं, यानी ये तो गलत है और ट्रू स्टेटमेंट ये होगी, माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस टू। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड किया जाएगा तो इनइक्वालिटी साइन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो हम इसको रूल की शक्ल में लिख लेते हैं, ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। इन जनरल इफ ए इज लेस देन बी एंड डी इज अ नेगेटिव नंबर देन ए ओवर डी इज ग्रेटर देन बी ओवर डी। तो नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम, तो जो फिफ्थ रूल है वो ये लास्ट रूल हम पढ़ने लगे हैं, द रेसिप्रोकल रूल। तो बाद इसको रेसिप्रोकल रूल भी कहते हैं। द रेसिप्रोकल रूल में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन हो या वैसे ही कोई इनइक्वालिटी हो तो उसका अगर रेसिप्रोकल ले लें तो क्या सिचुएशन होगी। तो हमने ये एक इनइक्वालिटी कंसिडर की है, वन ओवर टू इज ग्रेटर देन वन ओवर फोर। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये सिचुएशन हो जाएगी, यानी ये बन गया टू ओवर वन और फोर ओवर वन। तो हम इसको वन नीचे नहीं लिखते, तो टू इज नॉट ग्रेटर देन फोर है, तो यहाँ पर है टू इज ग्रेटर देन फोर। इसका मतलब है रेसिप्रोकल लेने से जब वो ये स्टेटमेंट जब वो फॉल्स हो गई है तो हमें इसकी डायरेक्शन को भी साथ ही चेंज करना पड़ेगा। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट ये है, टू इज लेस देन फोर। तो यहाँ हमें पता चला कि जब भी किसी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो साथ ही हमें इनइक्वालिटी साइन की डायरेक्शन चेंज कर देनी पड़ेगी। और यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इन जनरल इफ ए ओवर सी इज लेस देन बी ओवर डी देन सी ओवर ए इज ग्रेटर देन डी ओवर बी। तो आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं कि जब भी किसी इनइक्वालिटी में आप कोई नंबर ऐड करेंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इनइक्वालिटी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमने ये स्टडी किया है कि किसी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी साइन की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट है कि अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें साथ ही इनइक्वालिटी सिंबल का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिवीजन का रूल कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। और लास्ट हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर हम रेसिप्रोकल लें तो इसके साथ ही हमें इनइक्वालिटी साइन की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो तीन जगहों के ऊपर या तीन पॉइंट्स के ऊपर हमें इनइक्वालिटी साइन को की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। पहली है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लीकेशन, दूसरा है नेगेटिव नंबर से डिविजन, और तीसरा है रेसिप्रोकल लेना। तो ये बेसिक रूल हम जहन में रखेंगे और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाता है, तो ये इन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे। आज के लेक्चर को हम इधर ही फिनिश करते हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।